सुबह 7:10 का समय और ये छोटा सा शॉट मैं बना रहा हूं। आप देखिए जो सड़क है ना, ये रोड बिल्कुल गीली पड़ी है धुंध से, इतनी धुंध है। और छोटा सा शॉट है, आप इस वीडियो को हो सके तो आखिर तक देखिए शॉट को, हमें पता चलेगा कि इस समय कितनी ठंड पड़ रही है और कैसे लोग जीवन को सरवाइव कर रहे हैं अपने। ये प्रभात फेरी जो अभी आपने देखी, क्या हाल है भाई? अग्रवाल एंटरप्राइजेस, मैं न्यू भगवती कॉलोनी में अपनी योग की क्लास देने जा रहा हूँ अभी। और यहाँ आप देख रहे हैं ये लड़के सुबह सुबह हमारी सेवा में लग जाते हैं और दूध की सप्लाई ये लोग करते हैं, क्योंकि जिस दूध से हम चाय बनाकर पीते हैं वही दूध हमारे खीर बनाने में भी काम आता है और मिठाई बनाने में भी काम आता है। आप ये देखिए कि अगर ये दूध सप्लाई ना करें, अभी 2-4 दिन पहले की बात है कि पेट्रोल बंद हुआ था सहारनपुर में, पूरे देश में, और पूरे देश में हाहाकार मच गया था। अभी हमारी सप्लाई बंद नहीं हुई थी। अच्छा, आपकी सप्लाई बंद नहीं हुई थी? अच्छा, ये देखिए लड़के बता रहे हैं कि इनकी सप्लाई बिल्कुल भी बंद नहीं हुई थी उस दिन भी। हम देहरादून से स्पेशल तेल लेके आए। अच्छा अच्छा, देखिए हाँ, ये लड़का बता रहा है कि ये लोग देहरादून से स्पेशल तेल लेके आए जिससे कि सप्लाई ना रुके। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो, दिक्कतें बहुत आई थी। और ये जो ट्रकों की हड़ताल हुई थी ना, सरकार को 2 दिन में ही बैकफुट पे आना पड़ा इससे, क्यों पूरा देश रुक गया था। और मैंने वो मंजर देखा है कि पेट्रोल पंप पे हता लाइनें लगी हुई थी। तो दर्शकों, हम आगे चल रहे हैं और आगे भी आपको दिखाएंगे कि ठंड का कहर कितना है लोगों पर, ठंड कितनी बरस रही है इस समय। ठंड कुछ ज्यादा ही है आज, क्या कई दिनों से ज्यादा ही पड़ रही है ठंड, तो लगातार पड़ रही है, लेकिन फिर भी जीवन तो चलता ही रहेगा, चाहे ठंड इससे भी ज्यादा पड़े, चाहे बर्फ पड़ जाए यहाँ पे, तब भी जीवन चलना ही चलना है। लेकिन आप वीडियो का मजा लेते रहिए, ये छोटा सा शॉट है और हमें इस समय बहुत बढ़िया ठंड पड़ रही है, मजेदार। चलिए, मेरा भी डेस्टिनेशन आ गया है और मैं यहीं मुड़ूंगा और यहीं पे अपनी गाड़ी रोक दूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं योग की क्लास लेने के लिए आया हूँ। तो दर्शकों, यहाँ तक मेरा सफ़र था, ये छोटी सी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई, आप लोगों को दिखाया कि सुबह सुबह 7:10 पर मेरा सफ़र शुरू हुआ और कितनी ठंड पड़ती है। जैसा कि मैंने बताया कि इतना कोहरा पड़ रहा है कि सड़क भीग रही थी और रास्ते में दूध वाले ही मिले जो दूध की सप्लाई करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंचे और वो भी यहाँ के वेदर का, मौसम का हाल जाने। नमस्कार, शुभकामनाएं आपको।